आज़ादी तो नेहरू ने भी नहीं दिलाई, बताओ एक लट्ठा आया हो तो बता दो। इस देश में कांग्रेस ने को आज़ादी नहीं दिलाई है। मैं तो कहूँगा कांग्रेस में गद्दार भरे हुए थे बहुत सारे। नेहरू परिवार ने, नेहरू परिवार की विरासत को भोग रहे हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, चीन की दलाली कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के समय पे चुनाव हारे। तेरे कोई चुनचुने काट रहे हैं तो जाके उस जज की भी जमानत, जिसने जमानत दी है उसका भी बोल कि इस जज की मैं जीभ काट दूंगा, इसने जमानत कैसे दे दी। तुम्हारी सोच ही ऐसी है, तभी तो तुम कांग्रेस और तुम्हारी तमिलनाडु वहीं के वहीं पड़े के पड़े तुम रह गए, तुम चले जाके जीभ काटने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, इनको निकालनी थी कांग्रेस जोड़ो यात्रा। जो G23 के इनके जो लोग हैं उन्हीं को जोड़ लो आप, भारत क्या जोड़ोगे आप। भारत जुड़ने के लिए व्यक्ति बढ़ा दिया हमने, ठीक है ना, मोदी वो अपने आप जोड़ लेगा, जो तोड़ने का काम तुमने करा था ना, अब भारत जुड़ गया, उन्हें दिख गया कि भारत अब जुड़ गया है। तो भारत तोड़ने की यात्रा थी इनकी, जोड़ने की थोड़ी ना। तानाशाही की बात करने वाले लोगों को पहले देखना चाहिए कि इमरजेंसी किसने लगाई है देश के अंदर। अपनी दादी को भूल गए कि किसी बोलने को किसी व्यक्ति को अधिकार ही नहीं दिया, जो कोई व्यक्ति बोलता था उसको उठा के बंद कर दो, वो तानाशाही नहीं थी। मसाल थी सब कुछ भैया, मौज काटी है तुमने, मौज भारत जोड़ो यात्रा ना करिए तुमने, जब तक कायदे में रहोगे फायदे में रहोगे। इस तरह देखते हैं ये तो कांग्रेस की नाकामी है। ये प्यार बांटने निकले थे तमिलनाडु और केरल से, आपको याद होगा, याद है ना, कश्मीर तक जी। तो अब प्यार कहाँ गया, नफरत के बीज बो दिए इन्होंने। एक जज की जुबान काटने का बात कहना, अरे भाई पाप तुम्हारे नेता ने करा, बयान तुम्हारे नेता ने दिया, ओबीसी जाति का अपमान तुम्हारे नेता राहुल गांधी ने किया, मोदी जी की जाति का टिप्पणी क्यों करी भाई। मोदी जाति में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति भ्रष्ट होता है, या जितने भ्रष्ट पाए जाते हैं वो मोदी ही क्यों पाए जाते हैं। इस तरीके का बयान देने के कारण राहुल गांधी को सज़ा हुई है, 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। उसकी मूर्खता पर कोई बात नहीं कर रहा। तुम जज की जो विश्वसनीयता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। 2019 से लेकर 2023 में डिसीजन आया है, पहले जुडिशियल सिस्टम पे मैं प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ, इतना लेट डिसीजन क्यों दिया। और अगर कार्रवाई होगी, एक अच्छा डिसीजन आ गया, 2 साल की सज़ा होगी, तो समीक्षा जो बिल था वो मनमोहन सिंह के हाथ में से लेके फाड़ा तो राहुल गांधी ने था 2013 में। लालू प्रसाद यादव को पहली बार सज़ा हुई है इस कानून के तहत कि कोई भी संसदीय सदस्य अमर्यादित भाषा नहीं उपयोग कर सकता, या उसे हाँ अगर समीक्षा होती तो बच जाते ना, माफ़ीनामा हो जाता। अब ये भागते फिर रहे हैं, इनके वकील भी नहीं गए इस टाइम से। तो कहने का मकसद ये है, अब गाल बजाने से कुछ नहीं होगा, अब धमकियां देने से कुछ नहीं होगा। और भारत के जो जज हैं, जो न्यायाधीश हैं, बड़ी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। 4-5 साल बाद उन्होंने डिसीजन दिया है, लेकिन आप लोग उन पर टिप्पणी भी ना करें और उनको मारने की बात भी ना करें, ये गलत है। और ये आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप प्रेम नहीं बांट रहे, आप नफरत बांट रहे हैं। उनके जिलाध्यक्ष का कहना है कि मतलब इस प्रकार का जज कैसे कह सकता है, जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई है उसके खिलाफ तुम ऐसा बयान, मतलब सज़ा कैसे सुना सकते हो। क्या राहुल गांधी कितनी उम्र है उनकी, 52 साल है, 52 साल के पहले तो युवा हो गए। आज़ादी तो नेहरू ने भी नहीं दिलाई, बताओ एक लट्ठा आया हो तो बता दो। इस देश में कांग्रेस ने को आज़ादी नहीं दिलाई है। मैं तो कहूँगा कांग्रेस में गद्दार भरे हुए थे बहुत सारे, नाम नहीं लूँगा क्योंकि अंग्रेजों ने पार्टी बनाई थी AOUM ने, और जो पहले 3 अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के वो तीनों अंग्रेज ही थे। अब अंतिम जो अध्यक्ष, सॉरी अध्यक्ष तो अभी वो है इनकी पार्टी का, मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन पार्टी का अंत भी कोई इटालियन करेगा, उसका नाम है राहुल गांधी। प्रियंका वाड्रा या उसके बच्चे रिहान वाड्रा या सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो, तो अंग्रेजों ने ही बनाई, अंग्रेज ही समाप्त कर देंगे इसे। और ये लोग जो बीच के हैं ना, ये चमचे लटके ही रहेंगे। इन्होंने कोई देश आज़ाद नहीं कराया है, देश आज़ाद कराया भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल हैं, चाफेकर बंधु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ऐसे असंख्य जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने बलिदान दिया देश के लिए, वीर सावरकर जैसे लोगों ने देश आज़ाद कराया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश आज़ाद कराया, कांग्रेस ने देश आज़ाद नहीं कराया, हिंदू महासभा, आर्य समाज के नेता और RSS के नेता, इन सब लोगों ने संघर्ष किया उस समय पे, तब जाके देश को आज़ादी मिली है। अब विक्टिम कार्ड से कुछ नहीं चलेगा, तुमने देश बेचा है भाई। अगर तुमने कुछ प्रमाणिक काम किया होता तो पटियाला हाउस कोर्ट तुम्हें बेल पे क्यों छोड़ता। नेशनल हेरल्ड केस, यंग इंडिया कांग्रेस के टाइम पे बनी थी, एक संस्था थी, 5000 लोगों ने, क्रांतिकारियों ने मिलकर बनाई थी, गांधी जी को हैंडओवर की थी, गांधी जी के यंग इंडिया पे नेशनल हेरल्ड पे कब्जा कर लिया नेहरू परिवार ने, नेहरू परिवार की विरासत को भोग रहे हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी,
ये उसके मालिक है, वहाँ पे 5000 करोड़ का घोटाला हुआ, उनके यहाँ दफ्तर पे ताला लग गया आईटीओ वाले पे, गलती तो इन लोगों ने की है ना सर, इसीलिए तो बेल पे घूम रहे। नेशनल एलरो यंग इंडिया पे ताला क्यों लगा, राजीव गांधी फाउंडेशन, चाइना से पैसे क्यों लगता है, प्रश्न चिन्ह तो ये है। ये लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, चीन की दलाली कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के समय पे चुनाव हारे गुजरात का, उसके अलावा अभी भारत जोड़ो यात्रा खत्म करके लंदन पहुंच गए, भारत की बुराई कर रहे हैं, वहाँ पे चीन को अच्छा बता रहे हैं, भारत को बुरा बता रहे हैं। राहुल गांधी मेघालय त्रिपुरा और नागालैंड में 3 चुनाव हार गए, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। अरे भैया तुमने अगर देश के लिए कुछ किया होता, अच्छा किया होता ना, तो आप मैट ही नहीं हारते और जनता वापसी करवाती। 2014 में इन्हें 52 सीट मिली, 44 सीट मिली, 2019 में 52 सीट मिली, मैं कहता हूँ 5 सीटें भी नहीं मिलने वाली। 2024 में फिर से मोदी जी की सरकार बनेगी और 400 से ज़्यादा सीटें आएंगी। अभी जो चल रहा है देश में सबसे बढ़िया चल रहा है, राष्ट्रवाद की लहर है, हिंदुत्ववाद की लहर है, पाकिस्तान भीख का कटोरा लेके घूम रहा है, जो आतंक फैलाया करता था आज वो एकदम भीख का कटोरा लेके दर दर भटक रहा है। और चीन को भी औकात बता दी गई है, कोरोना काल में मैनेजमेंट बहुत अच्छी रही, उसके अलावा देश की GDP इकोनॉमिक देखोगे तो 5वें नंबर पर है पूरे विश्व में। जब रिसेशन आया या भाई इकोनॉमी डाउनफॉल हुआ, उस समय भी भारत ने सर्वाइव किया बहुत बढ़िया से। G20 में पहली बार इंडोनेशिया मोदी जी गए तो G20 की अध्यक्षता मोदी जी को मिली, तो मैं यही कहना चाहता हूँ मोदी जी सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। और कादरी एक कर्नाटक से आते कांग्रेस के वो बंदे हैं, उसे पद्म अवार्ड मिला है, मोदी जी मिलने गए तो उसने कहा भाई मेरे रोने लग गया, वो कहता मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैंने तो पद्म अवार्ड अप्लाई भी नहीं किया था, कांग्रेस काल में 5 बार पद्म अवार्ड अप्लाई किया तब नहीं मिला, लेकिन मोदी काल में अप्लाई भी नहीं किया तब भी होम मिनिस्ट्री से उसके पास सेक्रेटरी का कॉल जाता है और कादरी जी को पद्म अवार्ड दिया जाता है और मोदी जी के सामने रोते हुए बोलते हैं इस बार हाँ उम्मीद नहीं थी और इस बार मेरा पूरा परिवार और मैं आपका कर्जदार हैं, हम वोट देंगे BJP को। यह है परिवर्तन, एक तरह से उन लोगों पे भी तमाचा होगा जो कहते हैं कि BJP हिंदू मुस्लिम की राजनीति, तो BJP नहीं तो पहला राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को बनाया, कांग्रेस तो उसका विरोध कर रही थी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन है, उनका अपमान करती थी कांग्रेस, लेकिन मोदी जी ने उन्हें बनाया ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें अपने कार्यकाल में पहला मुस्लिम राष्ट्रपति भाजपा की तरफ से या NDA की तरफ से कह लो, और अब दलित को बनाया, इस समय जनजाति है द्रौपदी मुर्मू, तो यह सब ऐतिहासिक घटनाएं मोदी काल में ही सबको साथ लेके चल रहे हैं। और OBC प्रधानमंत्री है, OBC उपराष्ट्रपति है, और कहते हैं राष्ट्रपति जनजाति है, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है इस देश में। देखो भारत को समझना चाहिए कि मोदी कोई तुष्टिकरण नहीं करते, वो तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास सबको साथ ले जाने की बात करते हैं। एक नारा उन्होंने और दिया है, जय जवान जय किसान दिया था नारा लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान जय विज्ञान नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, अनुसंधान का जो नारा है वो दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, इसको याद रखें कि भारत में जो द वैक्सीनेशन बनी है वो भारत की स्वदेशी है, कोविन और कोवैक्सीनेशन 200 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुकी है, ये मोदी जी की देन है। क्या विचार रखेंगे इसको, किस तरह देखेंगे? मेरा नाम सोनू कुमार है, तमिलनाडु के जिलाध्यक्ष। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जो आपने जीभ काटने की बात कही, तो चलो आपकी बात को मैं बिल्कुल सहमति से आपकी तरफ ही हो जाता हूँ मैं, तो जीभ उस जज की भी काट देना जिन्होंने राहुल गांधी को जमानत भी दी है, अगर हो दम तो तमिलनाडु के अध्यक्ष, अगर तेरे में ज़्यादा ही कूदा है ना और तेरे में ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा कोई तेरे कोई चुनचुने काट रहे हैं, तो जाके उस जज की भी जमानत जिसने जमानत दी है उसका भी बोल कि इस जज की मैं जीभ काट दूंगा, इसने जमानत कैसे दे दी, 2 साल नहीं इसको 20 साल के लिए अंदर करने देना, अगर तेरे में कूदा है कीड़ा है कोई ज़्यादा ही एनाकोंडा है तो उस जज के भी जीभ काटियो जिसने जमानत पर भी हस्ताक्षर किए हैं, 30 दिन की जमानत भी दी है, समझ गया मेरे भाई, और 5000 करोड़ के घोटाले पे जो तेरा अब्बा जमानत पर बाहर घूम रहा है उस जज को क्या माला पहनाएगा? अबे तुम्हारी सोच ही ऐसी है, तभी तो तुम कांग्रेस और तुम्हारी तमिलनाडु वहीं के वहीं पड़े तुम रह गए, तुम चले जाके जीभ काटने के लिए, इतनी बड़ी कैंची है तो जाके वहाँ कश्मीर में चला जाके जब सारे हिंदू जब वहाँ से पलायन हो रहे थे किस किस की जीभ काटेगा, यासिन मलिक की जीभ काट ली जाके किस किस की जीभ काटेगा, अबे तेरी जीभ कट जाएगी ज़्यादा, समझ गया, होश में रहो। और एक और बात, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का डायलॉग सुन लेना, जब तक कायदे में रहोगे फायदे में रहोगे।
इन्होंने कहा था भारत जोड़ो यात्रा में हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे। राहुल गांधी साउथ से इन्होंने अपनी जो है यात्रा शुरू करी थी और साउथ से ये वैसे बयान उठने लगे हैं, क्या लगता है खोली है इन्होंने मोहब्बत की दुकान? तो इतनी भयंकर खोली कि सारी टी शर्टें इतनी बेजोलम बिक रही हैं कि लोगों ने कड़ाके की ठंड में भी टी शर्ट पहनना शुरू कर दिया है। और ये भारत जोड़ो यात्रा को तो मैं आपको ना सीक्रेट बता रहा हूँ, सीक्रेट लाल सिंह चड्ढा, ये चड्ढा की आमिर खान की कोई पिक्चर आई थी, उसने भी कहीं से भागना चालू किया था, घर छोड़ के अपने गेट के दरवाजे में लगाया और भागना चालू कर दिया। जो ये दाढ़ी और ये बाल जो इनके बड़े हुए हैं ना, आप लाल सिंह चड्ढा का फोटो इस तरफ लगा लेना आफ्टर जब उन्होंने करा था, और इसका राहुल गांधी का फोटो लगा लेना, दोनों को बराबर ही है। ये पिकनिक यात्रा से कम नहीं थी। कई लोग कह रहे हैं कांग्रेस जोड़ो यात्रा थी, अरे भैया मेरी समझ में तो ना कांग्रेस जोड़ो यात्रा थी, ना तो कोई कांग्रेस का आदमी नजर आया, अकेले राहुल गांधी नजर आया। और भैया तुमने ना ये पिकनिक घर पर तुम्हारे बोर हो रहे थे, इटली विटली जाने का तुमने प्रोग्राम कैंसिल कर लिया, बैंकॉक जाने का मूड नहीं बना कि सोचा चलो भैया कन्याकुमारी यहाँ तक ही भाग लें, और तुम कह रहे हो मैं पैदल चला, कंटेनर में तुम्हारा हमने देखा एसी वेसी सब लगे पड़े थे, पैर दबाने वाले मसाल चीज सब कुछ। भैया मौज काटी है तुमने, मौज भारत जोड़ो यात्रा ना करिए तुमने, माल है जवान गाड़ लिए, तो बिल्कुल तानाशाही हो गई। अभी तो सत्ता में नहीं आए, जब सत्ता में अगर होते तो पता नहीं क्या बोलते ये। मेरे को ये कहो कि जवान का इसका मतलब जुडिशरी जो है, जो मतलब कोर्ट है, कोर्ट की कोई वो ही नहीं है, अवहेलना कर रहे हैं वो एक तरफ। अगर वो ऐसे कह रहे हैं तो मैं तो कह रहा हूँ ऐसे बंदे को ये सहन कैसे कर रहे हैं, इनको तो बर्खास्त करना चाहिए, पार्टी में रखा किस लिए हुआ है। अगर वो जबान काट गया तो जबान काट के दिखाए, मैं उसके अगर वो जबान काटता मैं उसे 2 लाख रुपए दूंगा इनाम, जबान काट के दिखाए मैं देता हूँ 2 लाख रुपए। अरे जुडिशरी है, जुडिशरी के ऊपर तो कोई चीज़ ही नहीं है, इसका मतलब वो अभी कानून, अभी तो वो सत्ता में नहीं है, अभी अध्यक्ष है कांग्रेस का, अगर जिला अध्यक्ष अगर सत्ता में आ जाएंगे तो फिर तो पता नहीं क्या करेंगे, तो फिर तो तानाशाही और ये मतलब सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी कुछ समझेंगे ही नहीं है, तो जुडिशरी तो जीरो है फिर इनके। मेरे को आरोप मोदी जी पे लगाया जा रहा है कि तानाशाही की सरकार चल रही है। अरे वो तो लगाएं तानाशाही, इनके टाइम में कम थी ये तानाशाही तो इंदिरा गांधी जी देखते, जब बात सुनो वो सन 1975 में जब इमरजेंसी लगाई थी, उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था 24 नंबर कमरे में, ठीक है, और वहाँ जस्टिस सिन्हा ने ऑर्डर दिया था कि भैया ये जो उसका जो बरेली का इलेक्शन है वो खारिज कर दिया, ठीक है, और उसको खारिज कर गया तो उसको हिसाब से इस्तीफ़ा देना चाहिए था प्रधानमंत्री, लेकिन इस्तीफ़ा नहीं दिया उसने, उनने सीधा एमरजेंसी लगा दी और 900 पॉलिटिशियन को राजनीति को अंदर कर दिया और मीसा लगा दिया। तो तानाशाही तो वो है, तानाशाही अगर देखनी है तो एमरजेंसी के बाद जो है इन्होंने जो तुर्कमान गेट पर बुलडोजर चलवाए और वहाँ पर माँ बहनों की इज्जत, और संजय गांधी नसबंदी कराने के लिए पहुँच जाता था तुर्कमान गेट का भी जामा मस्जिद, और बेचारे मुसलमानों को पकड़ के अंदर जो जवान थे जिनकी शादी नहीं उनको भी पकड़ के नसबंदी करा रहा ज़बरदस्ती, मतलब ये तानाशाही होती है, तानाशाही तो है ही नहीं इनके तो बिल्कुल। देखो अगर आपको पता है राम मंदिर का जो फैसला आया था 9 नवंबर में, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, बस ये इन्होंने परस्यू करा, नहीं तो वो 300 साल से पेंडिंग चल रहा था, ये परस्यू कर रहे थे केस को कर रहे थे तो इन्हें करवाया, लेकिन उसमें भी कोई ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करी, उन्होंने यही बोला था ये फैसला जो आएगा चाहे राम का हो चाहे रहीम का हो चाहे गंगा का हो चाहे यमुना का हो ये सबको मानना है, कोई वो नहीं होगा। तानाशाही की बात करने वाले लोगों को पहले देखना चाहिए कि एमरजेंसी किसने लगाई है देश के अंदर, अपनी दादी को भूल गए कि किसी बोलने को किसी व्यक्ति को अधिकार ही नहीं दिया, जो कोई व्यक्ति बोलता था उसको उठा के बंद कर दो, वो तानाशाही नहीं थी। और ये कोर्ट का जो फैसला है इनको ये भी तानाशाही लग रही है, क्या कह सकते हैं। मगर लेकिन मैं इस मुद्दे से रिलेटिव एक मुद्दा और कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरी बात सुनना चाहें तो, अभी पीछे बड़े बड़े देश के सारे न्यूज़ चैनलों पर एक घटना चलाई गई, जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं उसके अंदर ये कहा गया कि अतीक अहमद के लिए 10 जजों ने अपनी सीट छोड़ दी, कोई फैसला नहीं सुना पाया, आज उसको फैसला सुना दिया 10 जजों ने, हाँ इतना डर था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जुडिशरी से, वो जो 10 लोगों ने जज छुट्टियाँ ले ली थी अपनी, क्या उन्होंने कानून का पालन किया, इस बारे में जुडिशरी क्या जवाब देगी? आपको बढ़ाया लोगों के न्याय के लिए, आपने देखा एक बाहुबली है तो आप छुट्टियां ले लेके घर बैठ गए, बच रहे हैं, तो ये कहाँ की जुडिशरी सही रही? ये तो नाइंसाफ़ी हो रही है ना, एक गरीब आदमी के लिए और एक बाहुबली है, बाहुबली के लिए जुडिशरी भाग रही है, क्या उन जजों को रहना चाहिए? उन जजों के नाम सार्वजनिक होने चाहिए,
और उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। बर्खास्त की तो मैं कह रहा हूँ, जो लीगल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भाई आप अपने काम से भाग रहे हो कि संवैधानिक पद पे बैठे हो आप न्याय के, और आप ही पदों से अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो, और मीडिया दिखा रही है कि 10 जजों ने छुट्टियां दिखा दी। बड़ा बहुत मीडिया जो काम कर रही है ना, अधूरा काम कर रही है। इसकी पूरी जानकारी देनी चाहिए थी, इसकी तह तक जाना चाहिए था, लोगों को गुमराह करके नहीं छोड़ना चाहिए था। हाँ जी, मेरा कहने का सिर्फ खाली ये तात्पर्य था कि आम आदमी हो या बाहुबली हो, न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, इनको निकालनी चाहिए थी कांग्रेस जोड़ो यात्रा। जो G23 के इनके जो लोग हैं उन्हीं को जोड़ लो आप, भारत क्या जोड़ोगे आप? भारत जुड़ने के लिए व्यक्ति बढ़ा दिया हमने, ठीक है ना, मोदी वो अपने आप जोड़ लेगा, जो तोड़ने का काम तुमने करा था ना, अब भारत जुड़ गया, उन्हें दिख गया कि भारत अब जुड़ गया। वो तो भारत तोड़ने की यात्रा थी इनकी, जोड़ने की थोड़ी ना थी यात्रा। कांग्रेस भी कहाँ जुड़ रही है सर, बड़े बड़े नेता तो छोड़कर पार्टी छोड़कर जा। मैं भी वही कह रहा हूँ ना, राहुल गांधी को भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। भारत जोड़ो भारत के आप इस टाइम बहुत सुरक्षित हाथों में है, भारत मजबूत हो रहा है, देश मजबूत हो रहा है, और जल्द ही एक विश्वगुरु बनेगा। हाँ जी, पूरी उम्मीद है 24 में वापसी होगी, दोबारा तिवारा नरेंद्र मोदी जी आएंगे देश को, और विश्वगुरु बनने जा रहा है भारत। हाँ जी, हिंदू राष्ट्र पे एक आखिरी सवाल होगा, हिंदू राष्ट्र की जो मांग उठ रही है लगातार बनना चाहिए? जरूर बनना चाहिए। देश के बंटवारे पे अगर जाओ तो किस आधार पे देश का बंटवारा हुआ था? धर्म के आधार पे बंटाओ, धर्म के आधार पे होना चाहिए था, मगर लेकिन उस टाइम के राजनेताओं में इतनी इच्छा शक्ति नहीं थी कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। उधर तो वो मुस्लिम राष्ट्र हो गया, क्या ये हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए था? ये तो शुरू से ही होना चाहिए था 1947 में कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। अगर हिंदू राष्ट्र होता है तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल सही है।